ये वाला मैम, ये वाला फिर से दिखाइए। वाह मैडम, आप साड़ी में और जींस में माँ का सब मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तुम सच तो बोल रहे हो ना? देखो अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं तुम्हें 6 महीने तक फांसी पे लटके रहने की सजा दे दूंगी। अरे हम तो कब से मरे बैठे हैं, चाहे आप मुझे उम्र कैद की सजा दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों का सजाए इश्क हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में चला जाऊं। मैडम कोर्ट है, ये कार्यवाही शुरू करें प्लीज। ओके ओके, पेश किया जाए। मैडम आप अपने आप को अकबर और मुझे अनारकली समझ रही हैं क्या? पेश किया जाए। यार मैडम आप एक जज हैं, अपने कल्चर को ना भूलिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, नाम की अदालत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना एडवोकेट दोषी। आज का मुकदमा एक ऐसे इंसान पर है जो अपना हुलिया, अपना कल्चर सब कुछ भूल चुका है। तो चलिए ज्यादा नहीं बताते हैं, सीधा उन्हीं को बुलाते हैं। गोगो सिंह हाजिर हो। ये देखिए, 4 बोतल वोडका पर डांस करने वाला इंसान एक पूरी बोतल जितना भी नहीं है। ये आपने क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं आप? एक्चुअली जो मैं लेता हूँ वो आप दे नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे अलाउड नहीं है ना, फिर मैं लेता हूँ दम मारो दम। प्लीज गोगो जी आप कटघरे में आ जाइए। नहीं उधर नहीं जा सकता, उधर सफोकेशन होती है। देखिए यहाँ की सफोकेशन को अवॉइड मत करें, नहीं तो जेल में बहुत ज्यादा सफोकेशन होगी। ओके ओके ओके। तो चलिए आप पर आरोपों की कार्यवाही जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला आरोप आप पर यह है कि आपने अपना नाम जो है बिगाड़ लिया है, माँ बाप के कल्चर का मजाक उड़ा दिया है। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाया। वो ऐसा है कि वो मेरे घर वालों ने मेरा नाम रखा था गोबर सिंह जी, दैट्स लाइक बफेलो स्पॉटी। तो ये सुनने में, मेरा मतलब सुनने में थोड़ा ना अजीब सा लगता है। यस यस, इसलिए मैंने चेंज कर लिया, मैंने किया गोगो जाओ। नहीं जाता, नहीं मतलब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप पर अगला इल्जाम ये है कि आप रात रात भर पार्टी करते हैं, ऑल नाइट। आपके क्यों कुछ भी हो रही है, मेरे को ये बताइए। आज करते हैं। तो आप पर अगला इल्जाम ये है कि जब आप ये कटे फटे कपड़े जो है पहनकर निकलते हैं तो वहाँ की गाय भैंसे भी शर्मा जाती है। सेम कैसी बातें करते हो, ये कटे फटे कपड़े नहीं है, इससे फैशन गाय फैशन। तुम्हारी तरह नहीं है, बीवी की मैक्सी पहनकर आ गया। Excuse me, Mr. Gogo जी, ये मेरी बीवी की नहीं, मेरी सास की है। Order. यार मैडम को कुछ मंगवा कर दो, कब से order बोल रही है। Gogo जी आप केस को उलझाइए मत। गिल साहब, हाँ हाँ, मुझे कुछ पूछना है। जी मैडम, अगर हमारा बच्चा, मतलब मेरा मतलब है कि हम में से किसी एक का बच्चा इस तरह से बिगड़ेल हो तो उसको सुधारे कैसे? हाँ, सुधारेंगे कैसे? तो मैडम वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ। इधर आओ भाई। देखो भाई साहब, आपको यही प्रॉब्लम है ना कि अगर आपका किसी का बच्चा मेरे जैसा हो गया उसको सुधारने का यही प्रॉब्लम है ना। हाँ तो ऐसे सुधारो ना भाई। परसों की बात है, ये बार में गया डांस देखने, तो आइटम डांसर अपना डांस कर रही थी, ये ऐसे देख रहा था। उसने कहा सुनिए यहाँ आइए, मेरे एक हाथ में पैसे हैं, एक हाथ में माइक है, मेरे ऊपर से एक चीज हटाएंगे। इसने कहा क्या? वो बोली अपनी गंदी नजर। अच्छा लेकिन इसको ना आइटम घर से दूरी नहीं बर्दाश्त होती है, कहीं आइटम डांसर परफॉर्म करे ये चला जाता है। पता है क्यों? इसका मुंह तबलची जैसा लगता है ना। भाई अपने सड़े हुए मुंह से तबलची भले बोल ले, तबलची बोल ले, नगाड़ा वाला बोल ले, हारमोनियम वाला बोल ले, गिटार वाला बोल ले, तुझे क्या पता, मेरे गाँव में सब मुझे बॉबी देओल कहते हैं। अरे बाप रे कविराज, ये वो बॉबी देओल है जिसने सारी उम्र धूप में शूटिंग की है। तो आइटम गर्ल की बात चलिए, तो यहाँ बैठी ऑडियंस से हम बात करेंगे कि आइटम गर्ल का उनसे क्या वास्ता है, उनका कितना तजुर्बा है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो कौन बताएगा आइटम गर्ल पे कोई बात? ओफो, आपके बगल में खुद एक आइटम है। हाय सर, मेरा नाम देव है। नमस्कार देव, आए हैं क्या हाल? सर मेरे हिसाब से आइटम गर्ल सिर्फ गानों में नहीं, हर जगह होनी चाहिए। हर जगह मतलब जैसे कहाँ? हर कार्यक्रम में, न्यूज में। न्यूज में हद मचा रहे, न्यूज में अगर आइटम गर्ल होगी तो समाचार कैसे बनाएगी? कल एक बस धक्के धक्के में लड़ गई, गिर गए। कैसा लगेगा मेरे भाई? अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है? नहीं सर। तो आप राखी सावंत से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? आइटम गर्ल हर जगह होनी चाहिए, बस अपने घर में नहीं होनी चाहिए।
थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच सर। हमारी डिबेट का आज का जो मुद्दा है वो ये है कि आप दोनों में से बेटर डांसर कौन है, आप जो एक बार में डांस करती हैं या फिर शीला जी जो फिल्मों में डांस करती हैं। हम फिल्म वाले ही ना सबसे बेटर होते हैं आइटम गर्ल के लिए। ए क्या कुछ भी बोल रही है तू है, एक बार बार में नाच के देख, तब तेरे को मालूम चलेगा कितना मुश्किल होता है और कौन बेटर है। तू क्या करती है, पांच दिन में एक गाना करती है, मैं पांच घंटे में 15-20 सॉन्ग करती है, ऐसे ठुमके मारती है, समझी तू? लाइव परफॉर्म करती है कस्टमर लोग के सामने, लाइव एकदम। तुम्हें तो लाइव परफॉर्मेंस के लाइव पैसे मिलते हैं, हमें तो जितने रीटेक्स करते हैं उतने ही पैसे इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। ए मैंने तो सुनी थी कि तुम लोगों को एडवांस में पेमेंट मिलती है, नहीं मिलती क्या? तो तू एक काम कर, मेरे बार में ही आ जाना, वही नाच, क्या पंटर लोग भी खुश हो जाएंगे रे, वही नाच ले। नेटवर्क की कृपा कैसी है, कोई कमी तो नहीं? बाबा जी आज एक कमी लग रही है। लग तो रही है कमी, देख के पता चल रहा है भाई कमी लग रही है तुम में, कोई बात नहीं, टाइम पे खाया पिया करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा जी, वो तुम्हें क्या, आज रक्तदान करके आया था इसीलिए ऐसा लग रहा हूँ। तुम्हें देख के तो लग रहा है रक्त देने की नहीं तुम्हें चढ़ाने की जरूरत है। क्या कमी है भाई बोलो। बाबा जी आज वो आपकी आइटम गल नजर नहीं आ रही, ऊंची कमी लग रही है। अब समझ में आया ज्यादा रश क्यों हो रहा है पंडाल में, यहीं कहीं रेंज में होगी, बैठ जाओ अभी आती होगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ओके ओके, नहीं नहीं बस बस अभी, हाँ मैं तो तैयार हूँ, बस बाबा जी की परमिशन चाहिए जी। बाबा जी आपकी कृपा से मुझे एक फिल्म में आइटम गर्ल का रोल मिल गया है। नहीं भाई हमारी कृपा कहाँ, लगता है किसी और ही की कृपा हो रही है आजकल। नहीं नहीं बाबा जी, हम भक्तों की समस्या सुलझाते। अच्छा कवर कर रही हो बहुत। हाँ भाई भक्तों में कोई और बनना चाहता है आइटम गर्ल? बाबा जी मेरा नाम आर्यन है। मुझे लगा बॉबी देओल है। बाबा जी मैं बार में आइटम्स गर्ल्स के ऊपर बहुत पैसा लुटाता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत खराब है कि मुझे वहां से वापस निकाल देते हैं, ऐसा क्यों? देखो भाई नोट की जगह चिल्लर मुंह पे मारोगे बाहर ही निकालेंगे। अच्छा बाबा जी एक सवाल और। हाँ क्रिकेट में चेयर्स गर्ल्स की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी क्यों रखते हैं? तुम उससे सवाल पूछ रहे हो, हम आपको जवाब दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत है? हाँ। बहुत फिर भी शो में खड़ी है ना। बाबा जी एक्शन। जी हाँ, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स को जो आइटम गर्ल बनना चाहते हैं। अबे कैसा बकलोल आदमी है भाई, इतने बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि मैं आइटम बॉय बनना चाहता हूँ, भाई से पूछ रहा है क्या बनना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? एक्चुअली सर पता है क्या है, ये कैमरामैन थे, कैमरे के पीछे इतनी बकबक करते थे, चैनल वाले कहते इसको कैमरा के आगे बकबक करवाओ। एक्सक्यूज मी शट अप। रिपोर्टर मैं हूँ, मैं सवाल पूछूंगा। जी सर। चलिए आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं, आप आइटम बॉय बॉय तो कहीं से नहीं लग रहे, आप ये बताइए आइटम बॉय बनना क्यों चाहते हैं? देखो क्या है कि लड़कियां जो है लड़कों को सारा जगह ले रही हैं। हाँ। इसीलिए हम आइटम बॉय बनना चाहते हैं बे। दर्शकों इनकी बात एकदम सही है, लड़कियां लड़कों की जगह ले रही हैं, फिर भी अब आइटम बॉय मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइटम बॉय बन जाएं। क्यों? अबे जब लड़कियां आइटम गर्ल बन सकती है तो बाय गॉड हम आइटम बॉय नहीं बन सकते? गुड यार। मेरे यारा, मेरे यारा। पुष्टि की है निभानी तो पड़ेगी। दामा जी ये बताइए कि आप ये हीरो के दोस्त के रोल करने से पहले क्या करते थे? मैं लौंडिया बाजी। एक और हर्ट होता है मैडम। क्या होता है? हीरो की बहन हमारी बहन धर्म बहन बन जाती है। हम तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी बहन की अंतड़ियों में से गुजरना होगा। बाबा जी मैं मजाक कर रहा था बाबा जी। अब बता जाता है या तेरे निकालू नूडल। मैंने पेपर में ऐड दिया था कि अगर लड़का रेंट पे आना चाहता है तो 20,000 रुपए लगेंगे और अगर लड़की आनी चाहती है तो 20,000 रुपए मैं दे दूंगा और मैंने दे भी दिए। अबे तेरे पास तो पैसे थे नहीं, कहाँ से दिया? तेरे ATM से। मेरे ATM से।